नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे क्रिप्टो न्यूज़ में। और शाम की कुछ अपडेट्स आई हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। तो चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ निकल कर आ रहा है एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले के द्वारा। और बुकेले ने प्रेडिक्ट किया है कि जिजियांटिक प्राइस इंक्रीज, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल में प्राइस इंक्रीज़ होगा बिटकॉइन का। और कंट्री में, पूरे ग्लोबली मार्केट में बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो इनफ नहीं है बिटकॉइन हर किसी के लिए एफोर्ड कर पाना। अगर कोई आदमी, कोई मिलियनेयर एक बिटकॉइन भी खरीदना चाहेगा तो भी नहीं खरीद पाएगा। उन्होंने ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नायब बुकेले ने ऐसा इसलिए कहा है कि अब कोई भी बिटकॉइन नहीं खरीद पाएगा अगर खरीदना चाहेगा तो भी आने वाले 5 सालों में। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक डेटा के अनुसार, हम डेटा की बात कर लेते हैं, 50 मिलियन मिलियनेयर्स हैं टोटल कंट्री में, 50 मिलियनेयर टोटल कंट्री में हैं, 50 मिलियन मिलियनेयर, और उनमें से सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है। जी हाँ दोस्तों, 21 मिलियन 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई है। अब 50 मिलियन में 21 मिलियन आप बांटोगे तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मिलियनेयर एक बिटकॉइन भी खरीदना चाहेगा तो नहीं खरीद पाएगा। और बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप होने वाला है क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई जो है लिमिटेड है, लिमिटेड है सप्लाई, इसलिए उसका प्राइस बढ़ेगा। और जिस चीज़ की डिमांड लिमिटेड होती है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप जाता है। तो देखते हैं कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई कब बनाता है। सबको बेसब्री से इंतज़ार है बिटकॉइन के ऊपर जाने का, क्योंकि बिटकॉइन ऊपर जाता है तो सभी कॉइन ऊपर जाते हैं, इसलिए बिटकॉइन का ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अगली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों कि रशिया में कुछ दिनों से ये हवा हवा में बात हो रही है कि क्रिप्टो बैन करना है। सेंट्रल बैंक जो रशिया का है उसने बहुत सारी गलतियाँ गिनाई हैं क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो सिक्योर नहीं है, क्रिप्टो का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेकार है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में स्टेटमेंट आया है फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा है कि अगर रशिया क्रिप्टो को बैन करने के बारे में सोच रही है या सोचती है तो जो इसका परिणाम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो जस्ट अपोजिट आएगा। जो सेंट्रल बैंक ने प्रपोज़ किया है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक्टिविटी है ना, वो जो अगर बैन करते हैं तो जो रिज़ल्ट वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं, उसके जस्ट अपोजिट रिज़ल्ट आएगा, ऐसा कहना है फॉर्मर प्रेसिडेंट का। और रूस के जो करंट प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी कहा है कि हम कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, इसलिए क्रिप्टो को बैन करना सही नहीं है, रेगुलेट होगा क्रिप्टो रशिया में। और सेंट्रल बैंक की जो भी प्रॉब्लम थी, इशू थे क्रिप्टो को लेकर और बिटकॉइन को लेकर, वो सब रेगुलेशन में सॉल्व किए जाएंगे। तो देखते हैं कि आगे रशिया का कब तक क्रिप्टो को लीगल टेंडर के रूप में पास करती है। आप कमेंट करके बताइए कि कब तक रशिया लीगल टेंडर के रूप में पास कर पाएगी। दोस्तों, स्पोर्ट्स बेटिंग जो कंपनी है इंटेन आइस, उसने मेटावर्स में $133 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल स्पोर्ट बेटिंग और गैम्बलिंग कंपनी है इंटेन, और इन्हें इसने प्लान किया था कि इन्वेस्ट करेंगे $133 मिलियन। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ग्लोबल इनोवेशन चाहते थे है ना, फोकस्ड और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस चाहते थे मेटावर्स से। तो उन्होंने वो भी एप्लीकेशन भी डेवलप किया है NFT के लिए और फंड स्टार्टअप के लिए। तो देखते हैं कि इंटेन कहाँ जाके रुकेगा और कितनी तेज़ी से ग्रो करेगा मेटावर्स के साथ। दोस्तों, गेम हर कोई खेलता है, और कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, लेकिन गेम 5 जो मेटावर्स के साथ डील हुआ है वो उसमें एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, नो डाउट, बताने की ज़रूरत नहीं है। साउथ कोरिया से जो भी गेम बन के आते हैं वो अलग ही लेवल पर ट्रेंड करते हैं। तो गेम 5 एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दो और 2022 में जो अभी आने वाला है गेमिंग इंडस्ट्री में, गेमिंग मार्केट में, वो $multi-billion का होगा। मुझे यहाँ दोस्तों, $multi-billion का मेजर प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी प्लेयर्स के लिए भी और इन्वेस्टर दोनों के लिए, क्योंकि इससे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमा पाएंगे और एक्सपीरियंस जो है वो लाजवाब होगा। और ये ऑनलाइन गेम से बहुत डिफरेंट गेम है, मेटावर्स को आप सब जानते ही हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस्ड एंड डिसेंट्रलाइज गेम्स दोनों होगा, गेम भी होगा और गेम 5 भी होगा। और दूसरी ही बात NFT की, नॉन फंजिबल टोकन, वो सब आप जानते ही हैं। तो NFT भी एक एसेट के रूप में देखा जा रहा है। तो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से फीचर किसका है, गेम 5 का या NFT का। जी दोस्तों, गेम 5 और NFT कौन सी इंडस्ट्री 2022 में सबसे तेज ग्रो करेगी, सबसे ज़्यादा नहीं सबसे तेज ग्रो करेगी, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, सिंगापुर की जो फॉर्म कंपनी है, फार्मा कंपनी जुलीग फार्मा जो है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है अपने कोविड पेशेंट तक पहुंचने के लिए, उनके
अच्छे से इंक्वायरी करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, और वेरीफाई करने के लिए कि उनको COVID-19 का वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि क्योंकि नकली जो दवाई हैं उनका जो प्रचार प्रसार है उनको रोक सके। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो EZ Tracker के नाम से प्लेटफॉर्म है, EZ Tracker, जी हाँ दोस्तों, EZ Tracker के नाम से सिंगापुर में है ये, और सिंगापुर हेल्थ केयर ने ये सर्विस स्टार्ट किया है जो बहुत ज़बरदस्त है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहली बार सही चीज़ के लिए आप कह सकते हैं यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे के लिए यूज़ हो रहा है, हेल्थ से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। और बहुत अच्छी बात है कि COVID-19 अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डिसीज़ है ऐसा कह सकते हैं, और ट्रेंडिंग है अभी सबसे ज़्यादा, फिर से नया वेरियंट आ चुका है, तो उसे देखते हुए COVID-19 के लिए ये EZ Tracker बहुत कारगर साबित होगा। और सभी कंट्री को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि वो भी अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने ग्रो करे इकोसिस्टम को, और ऐसे ही कामों के लिए यूज़ करे और माइनिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे क्योंकि माइनिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इस कंट्री को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा किया है इन्होंने। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये कहाँ तक सही लगा।